हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो वाकई में बहुत रोचक है। यकीन मानिए, वाकई बहुत रोचक। इस कंट्री ने सब सहारन अफ्रीका देशों में सबसे पहले आजादी हासिल की। जी हां साथी, इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा चमकीले कपड़े पहनने की आदत है। यहाँ की कॉफी दुनिया की द बेस्ट कॉफी मानी जाती है। यहाँ के लोग सबसे बिंदास माने जाते हैं। 100 मुश्किलें इस देश के पास, लेकिन यहाँ के लोगों को एक ही वजह चाहिए होता है, मुस्कुराने के लिए। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां देने वाले हैं, उस देश ने एक लड़ाई 77 सालों तक लड़ी है। इसी देश में दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड लेक भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका की शान घाना देश के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक के तौर पे खूब प्यार भी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ घाना। देश का बॉर्डर बुर्किना फासो, टोगो और कोट डिवोर से मिलता है। देश की कुल आबादी है 3 करोड़ के आसपास। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 137 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर मिल जाएंगे। घाना देश के पास कुल मिलाकर 227,540 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है। इस देश में 58% लोग शहरों में रहते हैं तो 42% गाँव में। देश की राजधानी शहर है अक्कारा, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, घाना देश का भी इतिहास बहुत ही पुराना है। इस देश ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। गुलामी का बोझ भी इस देश ने देखा है। यहाँ पर भी यूरोप के लुटेरों ने बहुत तबाही मचाई थी, लेकिन सारे दुखों को पार करते हुए इस देश ने एक एक करके सभी मोर्चों पे जीत हासिल कर ली। आज ये देश आजाद है और अफ्रीका का सबसे स्पेशल देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहली बार इस देश को पुर्तगाली व्यापारियों ने ढूंढ कर निकाला था। कहते हैं कि वो समय था 1470 का, उसी समय जब पुर्तगाली व्यापारियों ने समुद्र के रास्ते अलग अलग देशों की खोज की, तो उनमें से एक निकला घाना, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि घाना देश ने 6 मार्च 1957 को अंग्रेजों से आजादी हासिल की। उसके बाद से इस देश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कहते हैं कि इस कंट्री ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया। फ्रेंड्स, घाना वेस्ट अफ्रीका में स्वतंत्रता हासिल करने वाला पहला देश था। उसके बाद ही वेस्ट अफ्रीका के बाकी देशों को आजादी मिले। दोस्तों, जब भी बात होती है अफ्रीका के देशों की, तो कई लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही गरीब होंगे, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। असल में दोस्तों, घाना बहुत अमीर देश तो नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि घाना बहुत गरीब देश भी नहीं है। कहते हैं कि इस देश ने पिछले 20 सालों में डेवलपमेंट का बहुत सारा काम किया है। दोस्तों, अगर आपको दुनिया की बेस्ट कॉफी पीनी है, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको घाना जाना पड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में इससे बेहतर कॉफी और कहीं नहीं मिलती। कहते हैं कि घाना की कॉफी की पूरी दुनिया फैन है। तभी तो कहा जाता है कि घाना की कॉफी पीने वाले स्टेट्स को कभी नहीं भूल सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि घाना का मतलब क्या होता है? हर देश के नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, लेकिन घाना देश के नाम का क्या मतलब हो सकता है? आपको बता दूं कि घाना का मतलब होता है वॉरियर किंग। कहते हैं कि यहाँ का हर इंसान अपने देश के लिए वॉरियर होता है, यही वजह है कि इस देश को वॉरियर किंग कहा जाता है। दोस्तों, घाना देश का एक नियम ऐसा है जो हो सकता है आपको शॉक कर दे। कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी लड़की विधवा हो जाती है, तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति के छोटे भाई से शादी कर ले। यहाँ के लोगों की सोच यह है कि किसी भी विधवा महिला को किसी भी हाल में अकेले न रहने दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि वो अकेलेपन का शिकार हो जाए और कुछ ऐसा वैसा कदम उठा ले। हालांकि दोस्तों, अच्छी बात यह है कि क्या दोबारा शादी करनी है या नहीं, ये टोटली लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के बीच में कलरफुल कपड़े पहनना बहुत पॉपुलर है। कहते हैं कि यहाँ के लोग लाल पीले कपड़े बहुत अच्छे से और शौक से पहनते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आप कलरफुल कपड़े पहनते हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होता है, आप हमेशा जवान फील करते हैं। तभी आपने जनरली देखा होगा कि यहाँ के लोग चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, बहुत ही चमकीले कपड़े पहनते हैं। क्या आपको पता है कि 19th सेंचुरी में घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था? उदाहरण के तौर पर 1957 से पहले अंकोबरा और वोल्टा नदियों के किनारे की गई सोने की खोज और बहुतायत में सोने की उपलब्धता के कारण इस देश को गोल्ड कोस्ट के रूप में जाना जाता था। वैसे आज के दिन में भी यहाँ सोने की कई सारी खाने मौजूद हैं। घाना देश के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। घाना जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तो उस समय पढ़े लिखे घाना वासियों ने आजादी के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, दो हिस्सों में बट चुका था यह देश, एक पढ़े लिखे घाना के बसिंदे तो दूसरी ओर अनपढ़ लोग। लेकिन दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बारी आई, तो सब एक हो गए और सबने मिलकर अंग्रेजों को देश से निकाल फेंका। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि पढ़े लिखे लोग कैसे इतने दिनों तक गुलामी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। क्या आपको पता है कि घाना देश ने एक लड़ाई कुल मिलाकर 77 सालों तक लड़ी है। कहते हैं कि इस देश ने यह लड़ाई यूरोपियन इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ी थी।
जिसकी शुरुआत 1823 से लेकर 1900 तक चले थे। कहा जाता है कि जब यहाँ के लोगों ने ठान लिया था कि चाहे जो होगा लेकिन ये लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, तो ऐसे में इन्हें यूरोपियन ताकतों को खदेड़कर बाहर करने से कोई नहीं रोक पाया। दोस्तों जब आप घाना देश के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ के लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि खुद के लिए तो दुनिया में हर कोई ही जी रहा है, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले ही सबसे स्पेशल होते हैं। यहाँ की सोच ये है कि चाहे आप खुद कितना भी कष्ट क्यों ना झेल लें, लेकिन आपसे किसी को कष्ट ना हो, ये है घाना के लोगों की सोच। तो दोस्तों एक और बात जो घाना के लोगों के बारे में कही जाती है वो ये है कि अगर आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया तो वो यारों के यार साबित होते हैं। जी हाँ, आपके लिए वो जान तक दे देंगे, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर वो आपको छोड़ते भी नहीं है, फिर आपको घाना वासी दिन में ही तारे दिखा देते हैं। तो दोस्तों इनके साथ कभी दोस्ती में गद्दारी नहीं कीजिएगा। बिल दोस्तों यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं, यहाँ पर ईश्वर को बहुत माना जाता है और यही वजह है कि छोटी से छोटी बात पे भी ये ईश्वर की आराधना करने लग जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों को खुद से ज्यादा ईश्वर पे भरोसा होता है। दोस्तों घाना देश में इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे ज्यादा यूज करने वाले लोग आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर 67% लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते या लिखते हैं। यही वजह है कि इस देश में जब बाहर से कोई आता है तो उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती बातचीत करने में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के लोग पार्टी करना नहीं भूलते। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में डांसिंग, प्लेइंग ड्रम्स और खाने पीने का बड़ा शौक होता है। यहाँ पर आपको हर कोई किसी न किसी तरीके के म्यूजिक में इन्वॉल्व मिल ही जाएगा। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पे हर छोटी से छोटी बात को ये सेलिब्रेट करते हैं। घाना के लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर अब जागरूकता आ गई है। यहाँ के लिटरेसी लेवल्स में पहले से कहीं ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखे गए है। इस समय इस देश में 100 में से 77 लोग पढ़े लिखे हैं। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट इस आंकड़े को तेजी से ऊपर लेकर जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि घाना देश में सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल। कहते हैं कि यहाँ के बच्चे जैसे ही स्कूल से वापस घर आते हैं वैसे ही फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। ये है यहाँ की रियालिटी। तभी तो इस देश ने इंटरनेशनल लेवल पे कई बड़े खिलाड़ी दुनिया को दिए हैं। कई बार इस देश ने फीफा वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया है। दोस्तों घाना देश की अमीरी और गरीबी को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कहते हैं कि घाना के एक हिस्से यानी कि साउथ घाना में रहने वाले लोग ज्यादातर अमीर होते हैं, वहीं दोस्तों अगर बात की जाए नॉर्थ घाना की तो यहाँ के लोग गरीब होते हैं। इस तरह इस देश की दो अलग अलग तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों घाना देश के सबसे ज्यादा लोग किसान ही हैं। यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम खेती है। यहाँ पर लगभग 60% लोग किसान हैं और अच्छे लेवल पे खेती करते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस देश से ऑयल, कॉफी, फिश और इस तरह की चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के लोग नेचुरली ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जो कि काफी यूनिक है। इनका नाम है फ्रेडी अडवोय और ये घाना के रहने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो भी बैकवर्ड रनिंग में। फ्रेडी ने 100 यार्ड की दूरी मात्र 12.7 सेकंड में पूरी कर ली। यकीन मानिए दोस्तों पीछे इस तरह से भागना इतना आसान काम नहीं होता है। वेल दोस्तों घाना में कई प्राचीन जनजातियां निवास करती हैं जो मुख्य रूप से प्राचीन संस्कृति को आज भी अपने में समेटे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर ये जनजातियां प्राचीन नाच गाना, प्राचीन रस्मों रिवाज और प्राचीन रहन सहन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग अपने देश की किसी भी सभ्यता को अपने से अलग नहीं होने देते हैं। वाकई में ये बात बाकी के देशों को भी घाना से सीखने की जरूरत है। दोस्तों घाना के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही हार्डवर्किंग होते हैं। कम से कम एक दिन में 9 से 10 घंटे काम करते हैं। हालांकि जो अपने खेतों में काम करते हैं वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। इनफैक्ट घाना की औरतों के बारे में कहा जाता है कि ये अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। दोस्तों एक चीज जो इस देश में बहुत गलत है वो ये है कि यहाँ भी शादी में दहेज की प्रथा है। इस देश में इतनी बड़ी बीमारी की तरह फैल गया है कि यहाँ पर एक ही इंसान कई बार शादी कर लेता है इस सोच के साथ कि बार बार वो दहेज लेता रहेगा। आज भी ये प्रथा यहाँ पर खुलेआम चल रही है। वेल दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि घाना देश में विधवा हो गई औरतों के लिए एक अलग ही नियम है। यहाँ पर लड़की जो विधवा हो जाती है वो 1 साल तक ब्लैक कपड़ा ही पहनती है। इस कपड़े का नाम है एड्रिंका। कहा जाता है कि इस कपड़े को पहनकर लड़कियां अपने आप को किसी भी गलत छाए से बचा सकती हैं। ये बात तो आप जान ही गए हैं कि घाना देश में ज्यादातर लोग किसान हैं। तभी दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि जब इस देश में फसलों की कटाई होती है तो यहाँ पे उत्सव जैसा माहौल होता है। यहाँ पर जब फसल की कटाई होती है तो मानो कि यहाँ का नजारा ही अलग होता है। यहाँ पे फुल ऑन सेलिब्रेशन होता है। दोस्तों क्या आपने लेक वोल्टा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यह है दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील। ये बहुत ही दर्शनीय लोकेशन है। कुल मिलाकर आपको बता दूं कि लेक वोल्टा कुल क्षेत्रफल के 3.6% हिस्से में बनाई गई थी। जब भी आप इस देश की यात्रा पर जाएं तो इस लेक का नजारा जरूर देखें। सच में यहाँ के नजारे बहुत खूबसूरत हैं, ये आपका मन मोह लेंगे।
वेल दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि घाना के ककुम नेशनल रेन फॉरेस्ट वन में 650 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तितली की खूबसूरती देखने के लिए ये कमाल की जगह है। वैसे आपको बता दूं कि ये देश वाकई में बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। घाना में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ के करीब 71% लोग क्रिश्चियंस, 18% मुस्लिम और बाकी अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं। दोस्तों, घाना ज्यादा महंगा देश नहीं है। यहाँ की करेंसी है घानियन न्यू केडी, जिसकी वैल्यू लगभग 12.5 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था घाना। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और क्या आप कभी घाना गए हो? और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सैटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।